दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं व्हाट्सएप वेब के बारे में, व्हाट्सएप वेब क्या है, व्हाट्सएप वेब पे लॉगिन कैसे करते हैं, व्हाट्सएप वेब से लॉग आउट कैसे करते हैं, और ये सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो में करके दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पे प्लीज़ बने जरूर रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप वेब वेब का ही एक डेस्कटॉप वर्जन है, तो अब आप अपने व्हाट्सएप को अपने डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप पे खोल सकते हो, और जो भी आपके सारे मैसेजेस हैं, सारे वीडियोस हैं, या आपको अपने किसी भी फ्रेंड को मैसेज सेंड करना है या किसी फ्रेंड का मैसेज रिसीव करना है, वो सारी चीज़ें जो भी चीज़ें आप अपने व्हाट्सएप पे करते हो वो अपने डेस्कटॉप अपने लैपटॉप पे वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो चलिए अब हम आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि व्हाट्सएप वेब को कनेक्ट कैसे करते हैं। सो देखिए, जब भी आप व्हाट्सएप वेब खोलोगे, आप ब्राउज़र में डालोगे www.whatsappweb.com या आप सर्च करोगे व्हाट्सएप वेब का URL गूगल में, तो आपको एक साइट खुलेगी web.whatsapp.com। अब आप इसको डायरेक्ट ब्राउजर में भी डाल सकते हैं web.whatsappweb.com, या फिर आप कुछ व्हाट्सएप वेब गूगल में सर्च कर सकते हैं, सबसे पहले ये साइट आ जाती है। और दोस्तों इस साइट पर जाने के बाद कुछ इस तरह का QR कोड आपके सामने आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का QR कोड आता है। अब इस QR कोड को आपको अपने WhatsApp से स्कैन करना है, तो चलिए मैं आपको WhatsApp से ये पहले ये दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको अपने WhatsApp से इसको स्कैन करना है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, फिर मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि किस तरह से मैंने स्कैन किया और किस तरह से मैं अपने WhatsApp में गया, कैसे हम इसमें लॉगिन करेंगे, कैसे हम इसमें लॉग आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे लॉगिन करेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा सा वीडियो जो व्हाट्सएप ने ही बनाया है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर जाना है, व्हाट्सएप पे जाना है, और एंड्रॉयड में ये आपका व्हाट्सएप कोड स्कैन हो गया और इस तरह से UI एक आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अगर आपके पास आईफोन है तो आपको नीचे सेटिंग्स में जाना है और यहाँ शेयर पे जाके यहाँ स्कैन कर लेना है QR कोड, और आपका व्हाट्सएप ऐप खुल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है यार, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। चलिए अब मैं आपको अपने फ़ोन से इसको खोल के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि ये मेरा व्हाट्सएप डेस्कटॉप खुला हुआ है। दोस्तों हमने, अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया, तो हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी वेबसाइट पे जाके इसके हर स्टेप को लिख दिया है कि कैसे आपको लॉगिन होना है, कैसे आपको लॉग आउट होना है। वेबसाइट का URL नीचे लिंक में डाल दूंगा, तो आप उस पोस्ट पे जाके भी देख सकते हो कि आप किस तरह से इसको इस पे लॉगिन हो सकते हो, किस तरह से इस पे लॉग आउट हो सकते हो। और बाकी कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम आपको जानकारी दे सकें। तो अब देखिए सेम प्रोसेस मैं अपने फ़ोन से करने जा रहा हूँ। तो मैं अपने फ़ोन पे जा रहा हूँ, मैंने जो तीन बटन हैं उन तीन बटन पे क्लिक किया, मैंने अपनी वेबसाइट में लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पे क्लिक करना है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो। फिर मेरे सामने एक ऑप्शन आ गया व्हाट्सएप वेब का। अब इस व्हाट्सएप वेब के ऑप्शन पे मैं व्हाट्सएप वेब को क्लिक करता हूँ। जैसे मैं व्हाट्सएप वेब को क्लिक करता हूँ, तो देखिए एक इस तरह का मेरे पास एक स्कैनर आ गया। अब उस स्कैनर को मैं अपनी स्क्रीन के सामने लाया हूँ, जो स्क्रीन खुली हुई है, और ये देखिए कुछ इस तरह से मेरे डेस्कटॉप पे व्हाट्सएप वेब खुल जाएगा, और मेरे जितने भी मैसेजेस हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सारे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। तो ये सारे मेरे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे आ गए हैं, और मैं इस तरह से किसी भी अपने कॉन्टैक्ट को, दोस्तों मैंने थोड़ी सी स्क्रीन ब्लर्ड कर दी क्योंकि मेरा पर्सनल डाटा है, लेकिन मैं इस तरह से किसी भी कॉन्टैक्ट को जाके यहाँ लिख सकता हूँ, किसी को भी मैं मैसेज भेज सकता हूँ। और अगर मुझे इसे लॉग आउट करना हो, दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है लॉग आउट करने का, मैं बता देता हूँ आपको। आप इससे दो तरह से लॉग आउट कर सकते हो, ये सारे प्रोसेस भी मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी वेबसाइट पर डाल दिए, URL नीचे आप उस पर जाकर भी देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं लॉग आउट कर सकता हूँ, ये यहाँ पर जो तीन बिंदु हैं, इन तीन बिंदु पर जाऊँगा, यहाँ लॉग आउट कर दूंगा। जैसे ही मैं लॉग आउट होऊंगा, मैं व्हाट्सएप से लॉग आउट हो चुका हूँ। दूसरा ऑप्शन है फ़ोन पे जाके, अगर मुझे अपने फ़ोन से लॉग आउट करना है, तो चलिए हम आपको दिखा देता हूँ कि हम फ़ोन पे कैसे लॉग आउट करते हैं। तो फ़ोन पे लॉग आउट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले ऊपर दी हुई तीन बिंदुओं पे जाना है, और फिर से जैसे एक ऑप्शन आता है व्हाट्सएप वेब का, जहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया था, लॉगिन किया था, वहीं पे जाके हमें इसे व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करना है। उसके बाद में हमें वो स्क्रीन सामने आ जाएगी कि आपका, ये देखिए, लास्ट एक्टिवेट टूडे 10:28 PM, तो इस पे आपका व्हाट्सएप अभी भी यहाँ पर आपके व्हाट्सएप पे लॉगिन है, आपको पता चल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है और ये लॉगआउट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको लॉगआउट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगआउट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए स्क्रीन से भी आपको व्हाट्सएप लॉगआउट हो गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जाकर जरूर लिखिएगा कि किस तरह की और वीडियोज़ आपको चाहिए चैनल पर, क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, और हमारी वेबसाइट पर जाकर भी सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।